हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम दोनों ठीक हैं। ठीक नहीं, थोड़ा सा चल रहा है वैसे ऊपर नीचे, लेकिन ठीक है फिर भी। और कल से मैं बिल्कुल ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि 2 दिन से इसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसको कफ एंड कोल्ड, और आज मुझे भी हो गया है। कल तो मेरा भी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा छोड़ो और इसको लेके गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि इसका वैक्सीनेशन था, जो कि डॉक्टर ने बोला कि अभी इसको कोल्ड हो गया है, अभी इसको वैक्सीनेशन जो है, अभी हम वैक्सीन नहीं दे सकते, बाद में देंगे, 5 दिन के बाद ठीक हो जाएगा तब। तो इसकी मेडिसिन लेके आए हम, और अब ये ठीक है। वैसे कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको, लेकिन बस हाँ, जब सोता है ना थोड़ा ऐसा लगता है कि नाक ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया। और जब दूध पीता है ना, थोड़ी सा प्रॉब्लम होती है उसको दूध पीने में, क्योंकि नाक बंद हो जाता है तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो डॉक्टर ने दवाई दी है, तो चलिए उसको दवाई देते हैं 5 दिन की, उसके बाद देखते हैं। और मेरा भी ठीक है, आजकल थोड़ा सा था, आज थोड़ा ठीक हूँ। मैं भी अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो शूट करते हैं। तो ये अभी सोया था और येस्ट अभी जागा है, तो अभी इसका मेडिसिन का टाइम भी हो चुका है। तो पहले मैं इसको गाइस मेडिसिन दे देती हूँ, एंड देन उसके बाद इसको, क्योंकि दवाई टाइम से देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको ना इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन इन्फेक्शन में तो दवाई मेरे टाइम से देनी ही चाहिए, क्योंकि तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए सबसे पहले ये वाली मेडिसिन जो है ना, डॉक्टर ने बोला है इसको ना, इसमें वाटर था, मैंने पाउडर ले सकता। हाँ हाँ मैं करती प्लीज। इसको मिक्स करके डॉक्टर ने बोला है कि इसको फ्रिज में रख देना है, और इसको 3 ml और शाम को देना, मतलब रात में इसको नहीं देनी है। तो मैं इसको ना अभी 4 बजे दे रही हूँ, सुबह मैंने इसको दी थी 7 साढ़े 7 बजे, तो उसके हिसाब से टाइम सही है। तो अभी मैं इसको दे रही हूँ ये वाली मेडिसिन, ये वाली फ्रिज में स्टोर करना है। अभी मैंने जस्ट निकाली 5 मिनट पहले, 5 मिनट मैंने 2-3 मिनट लिए, मैंने सोचा कि 2 मिनट पहले फ्रिज से निकाल देती हूँ, क्योंकि उसको आगे कोल्ड एंड कफ हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। चलिए आ जाओ आ जाओ, जो मेडिसिन खा लो, मेडिसिन खा लो। वैसे मेडिसिन खा लेता है बहुत ही आराम से खा लेता है। देखो देखो मेडिसिन खाओ 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 खाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना प्लीज। ये बहुत ही अच्छी है। हाँ, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। बोलो प्लीज प्लीज, इसको ना ऐसे खा लेता है, लेकिन इसका हाँ हो गया, फिनिश फिनिश हो गया, हो गया हो गया, चलो डन 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 डन, चलो डन। चल अभी इसको ना मैं सोच रही हूँ कि तो मैंने सोचा कि चलो 10 मिनट के बाद इसको दूसरी मेडिसिन देते हैं, अभी 5-10 मिनट थोड़ा वेट करके ही देनी चाहिए। तो अभी इसको ना सांस लेंगे, सांस ओह बीच बीच में छींकें आ रही है। पहले दिन जब इसको हुआ था ना, तो इसको नहीं, चुप प्लीज, इसको ना छींकें ही आ रही थी। फर्स्ट डे जब शुरुआत हुई थी ना इसकी, तो इसको छींकें ही आ रही थी। मुझे लगा कि शायद तो हो सकता है कुछ ऐसी वैसी की वजह से ऐसा हो गया, इसको ठंड लग गई है, और रात में इसका जो नाक है वो बहने लगा। नाक बहने के बाद अभी सुबह 4-5 बजे इसको फीवर आ गया बहुत ज़बरदस्त वाला। तो मेरे पास मेडिसिन थी और मैंने थर्मामीटर से चेक करने की कोशिश की कि इसको चेक करूँ कितना, लेकिन बहुत अच्छा खासा फीवर था। इसने चेक नहीं करने दिया, फुल स्लीव्स पहना हुआ था और बार बार हिला दे रहा था, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये बाजू के नीचे रखने वाला था, वहाँ पे अंडर आर्म्स के नीचे। तो इसने नहीं करने दिया, लेकिन मैंने इसको तुरंत मेडिसिन मेरे पास थी और तुरंत मैंने इसको मेडिसिन दी,
और मेडिसिन लेने के बाद, चलिए मैं आती हूँ तक इसको फ्रीज में करके आती हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा फ्रीज से बाहर नहीं रखती, इसको छोटा कर दिया फ्रिज में स्टोर। एंड फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको ना 10 मिनट के बाद अभी दूसरी मेडिसिन दूंगी, तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करते हैं। और वो भी खेल रहा है, और हाँ उसको ना फिर बताया था कि फीवर आया बहुत ज़बरदस्त, तो उसी दिन वैक्सीनेशन था दूसरे दिन इसका, तो हम लोग ये तो मैंने डॉक्टर को जाते ही बताया कि इसको तो डॉक्टर ने बताया कि आज इसका वैक्सीनेशन जो है वो कैंसिल करते हैं और किसी दिन रखते हैं, आप 5 दिन के बाद आओ 7 दिन के बाद आओ, अभी आज रहने देते हैं क्योंकि ये आगे थोड़ा सा ना इरिटेट हो रहा है, तो इसको फीवर अगर आएगा तो और ज़्यादा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको भी तंग करेगा, वो भी थोड़ा परेशान होगा। फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, फिर उसी दिन से मेडिसिन स्टार्ट की। डॉक्टर ने बोला कि आपको ना जैसे फीवर आता है बच्चों को, फीवर बहुत ज़्यादा फीवर जब आता है ना अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए, फीवर उनको जो हाई फीवर जब होता है ना 100 से ऊपर वाला जो फीवर रहता है, उस फीवर से क्या होता है कि बच्चे को खींच आने की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कहते हैं ना दौरा जैसा होता है खींच का, क्या बोलते हैं उसको खींच ही बोलते हैं यहाँ पे, और वैसा प्रॉब्लम होने लगता है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर ऐसा होता है बच्चे को तो तुरंत आपको उसी टाइम उसका स्पंज बॉडी स्पंज वाश कर देना है, स्पंज और उसके माथे पे पट्टी भिगो के रखनी है। तो मैंने सुबह के टाइम पे ऐसी पट्टी तो रखी थी, जब मैंने देखा तो उसका माथा बहुत गर्म गर्म था, तो पट्टी भी मैंने गीला करके रखा था, और फिर मैंने उस टाइम कुछ कोल्ड जैसा कुछ लग नहीं रहा था वैसा, थोड़ा सा हाँ नाक बह रहा था, तो मुझे लगा कि इसको फीवर है तो थोड़ा नहला देती हूँ उसको, तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसको, तो नींबू में डालते इसको, तो मैंने उसको ना नहला दिया था। फिर नहलाने के बाद तो ठीक ही था, वैसे थोड़ा सा नाक बह रहा था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि आपने अच्छा किया आपने नहला दिया उसको, या तो बच्चे को उस टाइम पे स्पंज बाद दे दो या तो नहला दो, वो भी सही है, स्पंज बाद देती हूँ वो भी सही है। तो मैंने तो फिर से ही नहलाई दी थी, मुझे लगा फीवर है तो नहाएगा तो उसको थोड़ा हल्का फील होगा, तो मैंने ऐसे किया था। फिर मुझे इतनी जानकारी तो थी नहीं बच्चों के लिए, लेकिन भी जो थी मैंने वही किया, और बच्चों के लिए तो मैं बिना डॉक्टर के कुछ भी नहीं करती हूँ, बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना बच्चे को कुछ अपने मन से कुछ देना नहीं, ये कुछ बड़ा ये दे दो नहीं, मैं सबकी भी रिस्क नहीं लेती हूँ, और क्योंकि बच्चों के डॉक्टर से पूछ के ही बच्चों को कुछ दो वो बेस्ट है, क्योंकि तो कहते हैं ना घर वाले ये करो करो आपको, हाँ ठीक है वो कहते हैं, पहले होता था ऐसा और रिलीफ भी मिलता था, उस टाइम बच्चों को उतना डॉक्टर के पास कोई रिलीफ भी नहीं जाता था, ठीक हो जाता है घर पर ही। अच्छा इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, नहीं नहीं प्लीज नहीं। तो बट आज कल ना आजकल के जो फीवर भी वायरस जैसे ही होते हैं, वायरस जैसे होता है, तो जैसे कोल्ड हो गया वो भी इन्फेक्शन जैसा ही होता है, तो उतनी इजीली ठीक नहीं होता है जब तक मेडिसिन ना हो। तो मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमें तो कोई मेडिसिन नहीं देता था, मेरा मेडिसिन भी घर पे बना के होममेड जो रेसिपीज रहती थी वो देख के वो देते थे, ये खाओ और सो जाओ इससे रिलीफ मिलेगा, तो वही देते थे, लेकिन आजकल बच्चों को आराम नहीं मिलता है इससे, तो ये था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ये भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था, थोड़ा तंग कर रहा था, खा नहीं रहा था, दूध पी नहीं रहा था, और कल तो मैंने दूध नहीं पिया जा रहा था इसे, तो चम्मच से दूध पिलाना स्टार्ट किया, क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि दूध से अच्छा क्या क्यों ना इसको खिलाऊँ, और खिलाने में भी तो सोचूँ कि हर चीज़ ऐसी नहीं दे सकूँ जिससे कफ ज़्यादा बढ़ जाए,
तो फिर मैंने इसको ओट्स ही जो इजीली ये खा सकते हैं उसका पाउडर बना के रखा हुआ है रोस्ट करके, वही मैंने इसको देना स्टार्ट किया और वो थोड़ा इजीली खा नहीं रहा था ज़्यादा। इसने कल धूप से ज़्यादा वो ही लिया क्योंकि धूप के लिए इसको प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी जाएंगे 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या कहते हैं फिर इसका वैक्सीनेशन होगा। ये आज का छोटा सा ब्लॉग कहूँ या इंफॉर्मेशन कहूँ कहूँ ब्लॉग, तो मैं कुछ आपके साथ क्या शेयर करूँ कि रुको ऐसे नहीं करते, शाम तो हो चुकी है दिन में अभी भी ना, ये थोड़ा इसको खाना खिलाने में टाइम लगता है, दूध पीने में इसको टाइम लग रहा है। नहीं प्लीज़ नहीं ऐसे नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे नहीं करते। आज ना मैं इसको, आज मैंने इसको नहलाया नहीं है, मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा बाहर का मौसम, नहीं हल्ला नहीं करते प्लीज़ चुप, और बाहर का मौसम भी थोड़ा ठंडा जैसा हो रहा था, बारिश बारिश छोटी छोटी बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको नहीं, प्लीज़ नहीं करो ऐसे मत करो, और स्पंज बाथ इसको दे देते हैं, और ये वाली सेकेंड मेडिसिन जो डॉक्टर ने इसको दी थी इसको ये देने जा रही हूँ, ये इसको देनी है, ये भी सुबह शाम में 5 ml देनी है। इसको देनी है 5 ml, प्लीज ले लो प्लीज, मेडिसिन है बच्चा, मेडिसिन होती है तो इसको गिराते नहीं है। ले तो क्या पता ऐसे बड़े अच्छे से काम कर रही है, थोड़ा ऐसा हो जाता है थोड़ा सा वो दिक्कत करता है। चलिए हो गया, प्लीज फिनिश हो गया, चलो तो यहाँ पे इसका हो गया ये कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हुई हूँ क्योंकि इसकी मेडिसिन टाइम पे देना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, टाइम से देना बहुत जरूरी है और इसको थोड़ी राहत मिलती है बिल्कुल ना, उससे इसको मेडिसिन मिलती है, उसको नींद भी अच्छी आती है उससे, और इसको दूध पीने में भी थोड़ा ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, नाक उस तरह खुल जाता है, इसलिए ही मेडिसिन दे देती हूँ। और जब से ना ये ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन जब से ना इसका जन्म हुआ है, आज फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा बीमार हुआ है, नहीं तो ठीक ही रहता है। चलो चलो इसको मैं नीचे छोड़ देती हूँ, अभी ये कर रहा था कि इसको जाना है नीचे क्योंकि धूप तो इसमें दिख रही है। अभी ये खेलेगा नीचे थोड़ा सा खेलेगा, और खेलने के बाद फिर सोएगा, तो अभी ये सोया तो था, ये सोया भी थोड़ी देर पहले ही उठा है। तो चलिए गाइस फिर किसी दिन मैं और कुछ शेयर करूँगी, ये भी थोड़ा ठीक हो जाएगा तब तक, और मैं कुछ इसकी रेसिपीज कुछ हैं वो शेयर करूँगी आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।